भी उठाए ना, तो अभी समझ आई है ना, तो आई एम सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल, उससे हमें फायदा भी है और हम ऐसे रहने से हम अपना अधिकार लेंगे बाप से, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो खाली हैबिट बदलने की है बस, और कुछ क्या करना है। कहीं पूछते नहीं क्या पूछताछ करें, बोला ये तो सुना, अब घर को जाके क्या फिर पीछे क्या करें, वो समझते कोई साधन दे दे, कोई मंत्र दे दे या कुछ सुना दे के जा करके करें, नहीं, ये ही निरंतर मंत्र है ना, ये महामंत्र निरंतर जाप रखने का, मतलब जाप कोई कहने का नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है, अटेंशन, तो ये हर वक्त अटेंशन रखना और इसी की प्रैक्टिस में रहना, इन्हीं को कहा जाता है योग, इन्हीं को कहा जाता है ये योग का ये ज्ञान जो सुन रहे। बाकी योग कोई ऐसे थोड़ी आसन दबा बैठो या ये कर बैठो या बैठ कर करके कोई दीवा जगा कर करके कहो, हाँ आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट वॉट, उसका भी पता होना, आई एम दैट की जोत बस उसी में ध्यान रखे, ये जोत यहाँ ये माला से मेरे आई एम बस राम 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 राम, क्या बस ये ऐसा ऐसा वो खाली 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 राम राम ऐसा, खाली मुख तो नहीं चलाना है, अपना बुद्धि जिससे हमारा हमारा योग राइटियस रहेगा ना, जब तक बुद्धि नहीं है इससे हम डिटैच होकर करके उसके साथ बुद्धि नहीं जोड़ी है, उसने तो कितना भी राम 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 लाखों गड़े ना तो क्या हुआ, ये तो खाली मुख बतलाया ना उसने, तो बेचारे ऐसी अपनी जपा जाप की प्रैक्टिस बनाई थी, उसका अपने आप राम चलता था, जपने की भी दरकार नहीं है, अपने आप उसने ऐसा बना दिया था अपना प्रैक्टिस, तो उसकी चलती थी, तो अच्छी प्रैक्टिस, उससे तो सब ऐसे बना दे तो राम राम ऑटोमेटिक चलता रहेगा, वो ऑटोमेटिक मशीन ये तो चलाने को उसने तो बेचारे ने ऑटोमेटिक प्रैक्टिस की थी, ऑटोमेटिक मशीन से चलता ही रहता था, उसने शास्त्र में पढ़ा ना जपा जाप, यानी जपे नहीं परंतु जाप चलता रहे, तो उसने बैठ कर करके उससे वो बात को इसी तरह से बनाया, उसका अर्थ निकाला, देखो कैसा अच्छा निकाला, परंतु फिर मुख से गाली देना ये करना वो करना उसे तो अपना विक्रम बनाने, ये तो राइट नहीं है ना। तो ये सभी चीजें समझने की है बहुत अच्छी तरह से, इसीलिए बाप कहते हैं अपने को राइट है सभी उसी तरीके से कैसा चलना उसी में चल कर सके और अपना बनाते रहना है। तो ये है अपना स्टेटस बनाने की अथवा अपना प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की ये पुरुषार्थ, जिसको बना कर करके और ऐसे लाइफ से अपने को ऊंचा करना, क्योंकि हमारा सारा दारोमदार इन्हीं कर्मों के ऊपर है ना, और कर्म हमारा सारा दिन हम कर्म में तो रहते ही हैं, किसी के बोलचाल में, किसी के काम में, किसी के रिश्ते में हमारा तो कांटेक्ट है, उसी में हमको सारा संभल कर करके उसी में, इसके लिए हमको खास थोड़ी बैठ के कुछ करना है भाई, खास कोई कर्म करें या कोई खास पठन पाठन या खास कोई पूजन, कुछ नहीं, ये हमारी पूजा है, हम आत्माओं को देखें, सब ये आत्माएं हैं, उन्हीं आत्माओं से हमारा कैसा बर्ताव चलना चाहिए, यही हमारे जो प्रैक्टिकल है उन्हीं में हम कैसे बर्ताव में रहें, इसी में हमको अपना कर्म श्रेष्ठ बनाना है और उसी में हमारा नेचुरल है रास्ता देवे। तो हमारी ये सर्विस चलेंगी, इसको भी समझाएंगे, कोई मिलेगा तो क्या करेंगे, उसको भी बैठ के यही है काम हुआ, अच्छा काम अपन करेंगे, अच्छा हुआ बैठो एक बात सुनाए तुमको, हाँ वो आज यू आर था, तुम कौन है, चलो आपको जरा बाप का तो परिचय दें, अब बड़ा खुश हो जाएगा, हाँ किसको वो नशा चरा दे और किसको बैठ कर करके ये दो बात भी इशारे में समझा देना, वो बड़ा वो कहेगा ये तो बड़ा कोई फरिश्ता हाँ है एकदम, उसके लिए भी रिकॉर्ड बैठेगा, कोई बड़े लड़ने झगड़ने वाले होंगे ना, हाँ किससे ऐसे प्रेम से ऐसा बैठ करके बात करे, वो उनका मित्र बन जाएगा। ये अपने में टैक्ट चाहिए और अपने में जरा हिम्मत और वो पावर भी चाहिए ना, तो उससे हम दुश्मन को अपना सज्जन बना सकते हैं, तो ये अपने पास सभी बातें चाहिए ना, बाकी ऐसे ही थोड़े बस ऐसा ऐसा खाली किया हो तो करते 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 तो देखो दुनिया नीचे ही पड़ गई, ये तो अपना उसी में आना है, ये तो रियल है ना, चैतन्य हम आत्मा है और चैतन्य पिता के साथ, बाकी कोई जड़ दीवे के साथ या जड़ मूर्ति के साथ या कोई जड़ माला के साथ उसी के साथ तो योग की बात नहीं है ना, ये हमारा चैतन्य, तो उससे हमको चैतन्य पावर मिलता है, तो हमको जब है सत्चित आनंद स्वरूप कहते हैं नहीं, उस चैतन्य परमात्मा के साथ हम चैतन्य आत्मा का संबंध चाहिए, इसको हम संबंध संबंध कहो या योग कहो बात एक ही है, तो हमारा रिलेशन उसके साथ, योग का मतलब ही क्या है, योग का है दो चीज,
योग का अर्थ भी आता है कि दो चीजें होनी है, किसका किसके साथ योग, योग का मतलब है संबंध। तो जो संबंध में तो दो चीज होंगी ना, संबंध अकेला संबंध क्या, और संबंध तो दो चीज है, तो दो चाहिए ना, तो बाप और हम बेटे, तो संबंध चाहिए, उसे रिलेशन चाहिए, तो उसे हम संबंध कहो या योग कहो, बात एक ही। तो हमका हमारा योग उससे बैठे, माना उससे संबंध बैठे नहीं, तो संबंध के लिए हमको नॉलेज चाहिए, परिचय चाहिए, तब तो उसके साथ बैठेगा ना। तो बाप बैठ के समझाते, इसीलिए ये ज्ञान देता है कि यथारथ तेरा मेरे से योग कैसे बैठे, वो बैठ करके समझाते। तो ये सारी है बातें अच्छी तरह से बुद्धि में रखना, और फिर उसके साथ सारा चक्कर भी बाप समझाते हैं कि देखो अभी तुम्हारा चक्कर कहाँ तक आकर के पहुंचा है, अभी तुमको ऊंचा जाना, अभी टाइम भी है, टाइम हो तब बात भी हो ना, अभी टाइम पर बात है, इतना समय टाइम नहीं था, तो जो बातें थी ना वो सब भक्ति मार्ग की थी, वो सिर्फ यादगार की थी, वो यादगार का तुमको खाली बन मिलता था, अभी प्रैक्टिकल, वो थियोरिकल, ये प्रैक्टिकल, अभी मैं आया हूँ प्रैक्टिकल में, वो तो तुम खाली मेरे यादगार, मैंने जो कुछ अभी आकर के काम किया है ना प्रैक्टिकल, उसके पीछे दो प्रकार से भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि चित्र आदि ये सब यादगारें बनाई हैं, जिसका फिर तुम ये पठन पाठन पूजन करते आते हो, तो वो बात अलग है, वो डिपार्टमेंट अलग, वो साइड अलग, और ये अभी मैं प्रैक्टिकल आया हुआ हूँ, इसे प्रैक्टिकल तुमको बना करके प्रैक्टिकल दुनिया बनाता हूँ, ये बात अलग है, इनको कहेंगे प्रैक्टिकल, वो हो गया थ्योरिकल। तो अभी तो प्रैक्टिकल बात समझनी है ना, और उसे अपना पूरा वर्षा लेना है, और वो वर्षे वाली दुनिया में बनाता हूँ, तो ये सभी चीजों को समझना है। अच्छा टाइम तो हुआ है, आज संडे भी है, थोड़ा छुट्टी का थोड़ा तो फायदा देना चाहिए ना, और ये फायदा है बड़ा, ये कमाई है, ये ऐसा नहीं है भले बैठे हो, देखो ये कमाई कैसी है, चुप से ऐसा बैठो कमाई, ऐसी कोई कमाई देखी ना? सब कमाई में हाथ चलाना पड़ेगा, वो चलाना पड़ेगा, इससे ऐसा बैठे रहो ना, चुप बाप की याद में, और कमाई होती रहती है, कौन सी कमाई, हमारे पाप नाश है, इससे योगा अग्नि से हम पापों को नाश करते हैं, और इसी से हाँ हमारे देखो पाप नाश हुआ तो हम प्यूरिफाइड होते हैं, और उस प्यूरिफिकेशन से तो हमको सब कुछ मिलता है, हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग। तो देखो ये कमाई अच्छी नहीं है, ऐसी इजी कमाई, और फिर क्यों कहते हैं कि नहीं फुर्सत नहीं, ये बहाने बहाने देते हैं, इसके लिए तो फुर्सत कैसे भी निकालनी चाहिए, और तो भी इसका टाइम ऐसा है सवेल सुबह का, जितना सवेल हो अच्छा है, क्योंकि अमृत वेला सवेल का, वैसे भी कोई शुभ देखो कीर्तन करते हैं कुछ भी ऐसा होता है सवेल का, क्योंकि सवेल में ऐसा टाइम होता है उनको, टाइम में भी देखो सारा दिन का टाइम है ना, उस टाइम में भी स्टेजेस हैं, सवेल सुबह का अमृत वेला कहते हैं, और उसको गोल्डन टाइम, पीछे धीरे धीरे जैसा दिन चढ़ता जाता है सुबह का टाइम, देखो कोई भी पाठ करेंगे पूजा करेंगे सुबह को, सब सुबह को उठेंगे तो भगवान का नाम लेंगे, कोई बुरा काम सुबह को नहीं, हाँ रात को चोर चोरी भी करेगा, रात को लोग विकार में भी जाएगा, हाँ तो रात गंदी, हाँ इसीलिए रात में तो चोर को चोरी करना भी है, तो वाइब्रेशन जो है ना वो है, और सारे विकार में जाते हैं, तो देखो ये वाइब्रेशन, हाँ बाकी सुबह का जो टाइम है, हाँ 2 बजे के बाद 3 बजे इसी समय, तो सवेर का जो टाइम है उसको अमृत वेला गिना जाता है, तो ये सब उसी समय कोई ना कोई भगवान का नाम लेंगे, राम का, देखो मुसलमान लोग है ना सुबह को 5 बजे उठेंगे, 4 बजे 5 बजे वो भी खुदा की बंदगी करेंगे, सब क्रिश्चियन लोग भी हैं वो भी सवेर, देखो चर्चेज में जाते हैं कितने, तो बहुत करके जो सुबह का टाइम होता है उसमें वाइब्रेशन वर्ल्ड का सारा वाइब्रेशन पवित्र रहता है, क्योंकि उसी समय कोई धंधा धोरी और इनका भी हंगामा बुद्धि में नहीं होता है, और सबके अंदर में भगवान की उस समय कोई उठेगा ना, पहले तो कैसा भी होगा मतलब भगवान को उल्टा की सीधा, फिर भी अच्छे ही रहेंगे, फिर दिन होता है फिर काम धंधा, उसको फिर रजोगुण स्टेज कही जाएगी, रजोगुण क्योंकि काम धंधे की फिर बुद्धि वाइब्रेशन ऑलराउंड चलते हैं, और फिर ऐसी फिर स्टेजेस हो जाए, रात तो है ही चोर को चोरी करने का अभी मेरा टाइम आया, उसके वाइब्रेशन और विकारों के वाइब्रेशन वो सब, तो वो गंदगी का, इसीलिए वो टाइम सुबह का सवेर है, इसीलिए अपना क्लासेस बहुत है नहीं पंजाब और उधर बहुत सवेर चलते हैं, पर यहाँ तो आप लोगों को दिक्कत है बस जाना जाना, बस नहीं मिलती है, ऐसी दिक्कत है आजकल जाता है, पर तू जो है नेमी तो फिर क्योंकि वहाँ तो सेंटर्स है 10-12 दिल्ली में,
आजू बाजू के जो है अपने अपने सेंटर पर आते हैं, जैसे आपका कैंटोनमेंट है इधर है, तो जो जहाँ है उनको नजदीक पड़ता है ना, तो सवेर भी आ सकते हैं। तो ये सभी है, ये भी ये दिक्कतें भी संभालनी पड़ती हैं, परंतु है सुबह का टाइम सवेर उठ के अपने घर, अपने घर में भी तो हाँ उठ के सवेर बैठना, बाप को याद करना, ये सभी यहाँ जितना जितना करेंगे उतना उतना अपना बल मिलता है। तो ये होना चाहिए, ये अभ्यास अपने में बनाना है, यानी कि जो उल्टी बॉडी कॉन्शियस की प्रैक्टिस हो गई है ना, अब इसको सिर्फ टाकना है तो वो प्रैक्टिस डालनी है ना अपने में। तो ये हमको टाइम सुबह का तो मिलता ही है, थोड़ा नींद से करके कम करेंगे ना, थोड़ा उसे घंटा आधा निकाल करके हम सवेरे सुबह को ये अपने में प्रैक्टिस डाले, फिर इधर आते हो सुनते हो, रिफ्रेशमेंट मिलती है, उसमें रिमाइंड मिलता है कि हमको कैसे करना है, उसका ढंग मिलता है। तो जितना जितना वो ढंग बुद्धि में बैठा जाएगा उस प्रैक्टिस में मदद होती जाएगी। तो ये ज्ञान मदद करता है योग में, फिर हम सारा दिन काम करते भी हाँ, फिर आस्ते आस्ते तो वो प्रैक्टिस भी होती जाएगी और खुशी रहेगी। ये सुबह की याद है, वो स्कूल में बच्चे भी पढ़ते है ना सवेर उठ कर करके, हाँ क्योंकि सवेर की बुद्धि जो होती है नींद करके उठते है ना फ्रेश रहती है, तो उसमें जो भी धारणा बनानी होती है ना जल्दी हो जाती है, तो इसी में बच्चे भी सवेर उठ करके पढ़ते हैं, जो ज्ञान के और जो पढ़ने के चुस्त होते हैं वो सवेर सवेर उठ कर करके पढ़ेंगे, क्योंकि सवेर की मेमोरी जो है ना उसमें यादाश्त आ जाती है, दिन में इधर उधर किया उसमें फिर सब भूल जाता है। तो सवेर का इसीलिए महत्व, अमृत वेला कहते हैं उसको, कहते हैं अमृत वेला। तो ये अमृत वेला की अपना लाभ लेना चाहिए। तो ये सभी चीजें है, देखो हर बात की भी स्टेजेस है ना, दिन में भी देखो टाइम का है सारा। तो अभी बाप कहते हैं ये तो ये हद का रोज का अमृत वेला और दिन सुबह का, ये है बेहद का। बेहद में भी अभी हम चक्कर घूम के अपनी जनरेशन का, अभी हमारा ये अमृत वेला चढ़ता है, क्योंकि हमारा अभी न्यू जनरेशन का फाउंडेशन और हमारी ओल्ड जो जनरेशन है इम्प्यूरिटी की उसकी एंड अभी कॉन्फ्लुएंस है ना। तो ये हमारा अभी अमृत जो सवेर होता है, सूर्य जब भी सवेर में चढ़ता है ना, सवेर अमृत वेले पहला वाला सूर्य जब भी निकलता है हाँ, तो देखो कैसा। तो इसी तरह से अभी हमारा ज्ञान का सूर्य चढ़ता है, अब चढ़ती कला होती जाएंगी, अभी मानो सूर्य उदय हुआ है। तो सवेर का जो उदय होता है सूर्य कैसा, तो अभी देखो हमारे फाउंडेशन पर कलम लगाए, ये सैपलिंग, ये मानो अभी सूर्य की सैपलिंग और चंद्रमा की यानी रात की अभी एंड होती है, और फिर वो अभी देखो उदय होता है। तो हमारा क्या जनरेशन, न्यू जनरेशन उदय होती है। तो ये हमारा बेहद का अमृत वेला है, बेहद का रोज का, ये अभी बेहद का। तो अभी हमारा ये अमृत वेला है, तो अमृत वेले परमात्मा कहते हैं मैं आता हूँ, रात में नहीं आता हूँ, वो है ना उसे हरण कश्यप और नरसिंह की बात है हा? तो नरसिंह कहा था, उसने हरण कश्यप ने कहा था मैं न रात मरूं न दिन मरूं हा? न अंदर मरूं न बाहर मरूं, उसने वर मांगा था। तो वो बात कहाँ की है, ये भी की है, इसीलिए कहते हैं कि नहीं तुम्हारा मैं आता हूँ। तो जब ही वो अमृत वेला है, कॉन्फ्लुएंस टाइम है एंड और आता उसी न अंदर न रात में न दिन में बीच में, तो आकर कर करके देखो ये डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। तो कहते हैं न मैं रात में आता हूँ न मैं दिन में, रात और दिन में ब्रह्मा की रात, न ब्रह्मा की रात में आता हूँ न ब्रह्मा की दिन में आता हूँ, लेकिन कहाँ जब रात पूरी होती है और दिन चढ़ता है उसको कहते हैं सेटलिंग कॉन्फ्लेंस, तब फिर मैं आता हूँ। तो देखो नरसिंह नर तन में सिंह परमात्मा जो शहंशाह जो है वो अभी नर तन में आकर तक, इसीलिए उसका नाम पर है नरसिंह, है तो वो ना नॉलेजफुल, वो आता है इस नर तन में, इसीलिए कहते हैं नरसिंह। तो नाम रख दिए नरसिंह, अभी नरसिंह ऐसे शेर की शक्ल या नर का ये ऐसा कैसा होगा, ऐसा तो कोई न मनुष्य होता है न कभी ऐसा कोई जानवर होता है। तो ये सभी चीजें समझनी, ये नाम रखे है फिर बैठ करके ये सब बनाए, तो ये सभी चीजों को समझना है और समझ कर कर करके और बाप से अपना ऐसा जन्म सिद्ध अधिकार पाना है। तो अभी बुद्धि में आता है ना, पाना किससे है, हमको क्या बनना, हमको ये नर और नारी प्यूरिफाई बनना, हमको मनुष्य तन में आना जरूर है। ऐसे हम कहें नहीं उधर बैठ जाए, नहीं बैठने से कोई मजा नहीं है, क्या करेंगे डेड साइलेंस में बैठ के क्या करेंगे हा? वो तो जैसे रात को नींद में चले जाते हैं नहीं हा? देखो डिटैच हो जाती है रात को, रोज होते हो ना डिटैच, देखो नींद करते हो बॉडी बॉडी से डिटैच, परंतु वो नींद की है, ये हम चलते फिरते डिटैच रहे इससे।
और उधर जाके बैठेंगे, बस बैठ गए एकदम साइलेंट में, क्या हुआ वो मजा नहीं। हम आते हैं जागते हैं, जागते में तो सब मजा है ना, परंतु उसमें हमको लाइफ की पूर्ण सुख चाहिए, वो हमारा कैसे बने उसी को बनाना और उसी में हमको सदा सुख प्राप्त करना, समझा। तो ऐसी बातों को समझते और अपना ऐसा पुरुषार्थ करते, अपनी ऐसी प्रारब्ध बनाओ। अच्छा देखो, इसको हम कहते हैं, ये जो बनाते हैं ना, इसको घोड़ा बनाओ, ये सांवड़ा बनाया है, हम अभी घोड़े बनते हैं ना, तो ये सांवड़ा रंग कर दिया है और घोड़ा, सब में हमको परवीन बनना है नहीं, हाँ आप थोड़ी प्यूरिफाई एवरीथिंग बनाने में भी हमको होशियार होना है ना, तो ये सांवड़ा थोड़ा बना दिया, लेकिन क्या अभी सांवड़े है ना, अब देखो सांवड़े है फिर घोड़े बनेंगे, आत्मा भी गोरी घोड़े, ये नहीं घोड़े हम यूरोपियन घोड़े नहीं, वो तो देखो उनकी तो ठंडा इसमें रहते है ना, ठंडे मुल्कों में इसीलिए उसकी स्किन होती है, परंतु क्या रोग है, बीमारियां है, ये है, तो उसका वो गोरापन क्या है, गोरा हेल्थ वेल्थ है, नेचुरल ब्यूटी। वहाँ देखो सतयुग में नो लिपस्टिक, नो पाउडर, नो कुछ मेकअप करने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि वो नेचुरल ब्यूटी है ना, यहाँ तो मेकअप करनी पड़ती है, उन गोरों को भी मेकअप करना पड़ता है, वहाँ कुछ मेकअप नहीं, नेचुरल। और हेल्थ वेल्थ और शरीर छोड़ना करना, ऐसे नहीं अका बैठे मर जाए, हार्ट फेल हो जाए, ये हो जाए, नहीं, कभी कोई वहाँ कभी विधवा होती नहीं, क्योंकि सदा स्वाधीन, ये सदा सुखी सब पादे जो है वो ईश्वरीय बल से प्राप्त है, गारंटी है, कोई लावास हो ही नहीं सकता, लावास समझते हो, कहीं बच्चा न हो, धन हो फिर बच्चा न हो, बच्चे के लिए हे भगवान बच्चा दो ना, बच्चा होना ही है गारंटी, क्योंकि धन को नहीं तो कौन संभालेगा, इसीलिए ये सब हमारी प्रलोभन जो है ना, वो प्रलोभन के हमको सब कुछ प्राप्त होना ही है, इसको कहा जाता है बर्थ राइट, जन्म से धन का लाइफ का जो सब कुछ साधन है वो पूरे मिलेंगे, उनके कोई फिक्र आती नहीं है, खाने पीने के लिए आज दो दिन न कमाए तो बेचारे को चिंता रहेगी, अरे बीमार पड़ गया वो अभी कौन कमाई करेगा, कैसे कहे घर का कौन करेगा, बच्चों को कौन, फिक्रात होती है ना, तो उसमें कोई खाने पीने के लिए सब आराम से मिलता ही रहता है, खाने तो तुम्हारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे खाते रहेंगे पूरे, यहाँ तो चिंता रहती है, ये तो चिंता से कमाया जाता है, तो ये सब बाप कैसे, मैं तुमको ऐसी लाइफ देता हूँ, फिर तो बाकी क्या चाहिए, कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़े नहीं, अभी तो देखो लड़ाई झगड़े ये सब सब दिक्कतें, अर्थक्वेक हुआ, ये नेचुरल कैले, ये कुछ बातें नहीं, सब ऑर्डर में, क्योंकि तुम ऑर्डर में आ जाते हो, तुम गॉड को ओबे करते हो, तो ये भी चीज सब तुमको ओबे करते हैं, अब तुम उसको ओबे नहीं करते हो, डिसऑर्डर में आयो तो सब चीज तुमको डिसऑर्डर में बात करेंगे, करेंगे जरूर करेंगे नीचे वाले तुम्हारे। अच्छा आज मालती पिलाएंगे, बच्चे तो ऐसे ही शुद्ध होते हैं बहुत, और ये फिर भी शिव बाबा से प्रेम है, हाँ याद करती हो ना, भूलती तो नहीं हो ना, रोती तो नहीं हो अच्छा, शिव बाबा को याद कर करके फिर खिलाओ सबको, दियो शिव बाबा को, और खाने वाले लेने वाले भी याद करे, हाँ देखो याद दिलाओ आंखों से, उसको कहो याद, हाँ ऐसे आंखों से इशारा करो, देखो देखो कि आत्मा याद करो, आई एम सोल देन ऑफ सुप्रीम सोल, हाँ दृष्टि दे कर करके दियो, टोली को दृष्टि नहीं खाली दो उनको बेबी कोई बात नहीं, गिर गया अर्जा नहीं, देखो प्रसाद गिरता है ना उठा लेते हैं और उसका सरकार रखते हैं, ये प्रसाद की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो कोई वो भक्ति मार्ग की नहीं है, परंतु फिर भी देखो ये पवित्र हाथों से और पवित्र जिसका ऐसा भी किसी का स्वीकार नहीं किया जाता है, कोई अपवित्र का धन या कुछ भी नहीं, पेट में खाने की चीज की संभाल रखते हैं, बाकी कुछ ऐसे हैं लिटरेचर विटरेचर कोई ऐसे बाहर का कुछ भी है, खाने पीने के क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, वो ऑटोमेटिक मशीन चलती है, जाएगा ही पेट में, जो अपने पक्के है मजबूत ना उसके अंदर जाएगा ही पवित्र, इसीलिए बनाने वाला प्योर और बाप को याद करेगा, इसीलिए हमारी खाने पीने की जरा थोड़ी परहेज रखते हैं, जिस किसी का बनाया खाना नहीं, क्योंकि फिर भी विकारी तो रहते हैं नहीं, पवित्र तो नहीं रहते है ना, पवित्रता ये नहीं है भाई मैंने धोया है नया है चौका साफ किया है बर्तन बर्तन साफ किया है अब तो हाँ हमारा बहुत शुद्ध हो गया, ये बर्तन कहाँ साफ किया, इधर इधर प्योरिटी चाहिए, ये
सोल, बाकी वो चौका साफ किया, ये किया वो किया, नया धोया तो उसमें क्या हुआ, ये नहाना आत्मा को नहाना है, उसके लिए तो ज्ञान पानी चाहिए, ज्ञान गंगा, ज्ञान का, उसी के बिना वो धोई नहीं जा सकती। पानी में जितने भी गोते लगाओ, आनंदी में नहाओ, त्रिवेणी में डूबो, किसमें भी पढ़ो, लेकिन उससे कोई आत्मा थोड़ी साफ होगी। नहीं, पावन होने के लिए ज्ञान और योग, आत्मा का ग्रहण, आत्मा का बतलाए नहीं, जंक उतरेगी तभी, उसके उतारने का एक ही उपाय है, सो भी परमात्मा का योग, कोई तत्व का योग, कोई मूर्ति का योग, कोई दीवे का योग। हाँ, दीवा भी रखते हैं, आगे दीवा रख करके उसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मेडिटेशन बहुत किस्म की दिखलाते नहीं, तो वह कोई दीवे का योग, कोई उसका मूर्ति का या कोई किसी का, इन्हीं का योग नहीं, पर डायरेक्ट परमात्मा का योग, उससे पावर मिलेगा। इसलिए कहते हैं मुझे याद कर, तुमने मेहनत की है ना, तो डबल देना चाहिए ना, डबल, एक मेहनत का एक तुम्हारा। अच्छा, हमको देंगे दियो, आप दियो, इतना हम छोटे हैं सबसे, इसको बिठाएंगे तो निष्ठा में भी याद में अच्छी बैठती है। आज बहुत अच्छा बैठी मामा। हाँ, किसको याद करती हो? शिव बाबा को। कैसा है शिव बाबा? अच्छा है। क्यों नहीं, जो इतना ब्लबेड फादर है, जो हमको इतना प्यार करता है कि हमारी लाइफ ऐसी बना लेता है, उसके प्रति क्या प्रेम नहीं होगा? जरूर होगा। कब कोई किसी मनुष्य मनुष्य के ऊपर कोई एहसान करता है, कोई धन की मदद करता है, कोई समय पर कुछ हेल्प करता है, तो कितना उसके लिए दिल में होता है, भाई इसने समय पर हमको बहुत मदद की। तो जब ये मनुष्य के प्रति इतना होता है, वो तो हमारा हाँ सदा सुख सर्व सुख देने वाला है, लेकिन जब जानते है ना, तब उससे लौ बैठते हैं, नहीं तो नहीं जानते तो फिर देखो बेचारे यहाँ चल रहे हैं। तो ऐसे बाप को समझ कर करके चलना चाहिए। ये कुछ माताएं आ जाई हैं नहीं है, तो ये समझते हैं आप भाषा, समझते हैं हिंदी? श्याम सुंदर की है ना, जो टीचर श्याम सुंदर, वो तो श्याम सुंदर की, हाँ वो आई है गांव वाली। हाँ, और ये आगे जो बैठी हैं, ये किसकी है? नहीं है। हाँ बहुत अच्छा, ये कोई लाए है या अपने आप आए हैं? अपने आप, तो अपने आप आई हैं। अभी इन्हें से पूछो कि समझती हो, और फिर इन्हों को समझाओ, तो टाइम दे कर कर करके आकर करके समझे, बहुत अच्छी चीज है जिसको समझना चाहिए, और समझ कर करके अपने घर ग्रस्त में रह कर करके, कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ, बाकी छोड़ना क्या है? पांच विकार। हाँ भाई, विकार तो छोड़ेंगे कि कहेंगे विकार भी रखे रहे? नहीं, विकार तो हमको दुख देने की चीज है ना। हाँ, उनको छोड़ना, इसीलिए उसे हमको घर ग्रस्त में, घर ग्रस्त कोई विकार नहीं है। विकार कौन सी चीज है? पांच। तो विकार निकलने से कोई हमारी गृहस्थी नहीं छूट जाएगी? नहीं, वो तो देवताओं भी गृहस्थी में थे, बाल बच्चे थे, राजा ही करते थे, लेकिन ट्रिनिटी के बल से, उनको योग बल था, अभी भोग बल है ना, वो योग बल था, योग बल से संतान पावर थी, अभी वो संतान पैदा करने की ताकत नहीं है, इसीलिए संसार दुखी है। जैसी संतान जैसे बिच्छू डंडे जैसे निकालते, तो वो काटते ही है ना, और क्या करेंगे? इसीलिए कहते देखो ये संतान ऐसी पैदा की, उनकी बुद्धि देखो ना, तो आज दुनिया के नाश के लिए तैयारियां हो गई है। अब बाप कहते हैं ऐसे संसार को नाश करके मैं फिर अच्छी बुद्धि वाला संसार बनाता हूँ, जिसमें स्वच्छ रहने से सदा सुखी रहूं, फिर काटना फाड़ना, एक दूसरे लड़ना झगड़ना, ये सब बातें होती नहीं, समझा? अच्छा, बाप दादा और माँ की मीठे मीठे हाँ सिकी लदे, सिकी लदे हो ना, सिकी लदे का अर्थ है बहुत काल के बाद मिले हो। कितने काल के बाद? 5000। क्योंकि ये चक्कर पूरा होने पर ऐसे आगे मिले थे, वो गीता में भी ना, तुम और हम कल पहले भी मिले थे, आगे भी मिले थे, अभी मिले हैं, फिर मिलेंगे, तो ये हमारा चक्कर आगे मिले थे इसी टाइम पर, ऐसा हु बहु ऐसा ये भोपाल बैठा था, यही सब ये 5000 वर्ष की रिपीटिशन है। कब कहाँ तक बैठेगा चलेगा वो कह नहीं सकते हैं, वो आगे चल करके देखेंगे, लेकिन आज की तरह तो आए थे, मिले थे हम सब ऐसे। हाँ, और फिर मिलेंगे, फिर ये राज भाग लेंगे,
और ये हम प्राप्त करेंगे हाँ, फिर ये चक्कर फिर करके ऐसा आएगा, तो ये होता है ये तो हाँ चलता ही रहने का। परंतु अभी हमारी चढ़ती कला है, इसीलिए हमको ख्याल करना है कि अभी हमारा चढ़ती कला का टाइम है, इसलिए हम चढ़ जाएं। किसको ना खुशी होगी, अभी हमारा नया घर बनता है तो खुशी नहीं होगी हाँ, हम नए घर में जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सजाएंगे वो करेंगे वो करेंगे, होता है ना हाँ। गरज कल को भी बना दे तो खुशी लगती है जी, गरज कल को उनका पास नहीं रहे तो दूसरे के पास लाभ करने का भी रहता है तो होता ही है ना, इसीलिए हमको अभी तो खुशी की बात है, अभी तो नहीं ख्याल करना अरे फिर ले करके फिर ये पुराना होगा ना, फिर काय के लिए बनाए हा? ऐसा कोई ख्याल थोड़ी करता है, एक जीवन में कोई ख्याल करता है कल को मर जाए इसीलिए क्यों हम पढ़े क्यों लिखे क्यों शादी करें क्यों बच्चे में अब बैठे ही रहे, कल को मर जाए ऐसा करके कोई बैठ जाता है नहीं, बड़े जानते हैं कल को मर जाए हो सकता है पॉसिबल है, तो जो पॉसिबल बात है उसी में भी मनुष्य ऐसा चलता है जैसे कि इसको सदा के लिए बैठना ही है ना, करूंगा लिखूंगा शादी करूंगा बच्चे पैदा करूंगा डॉक्टर बनूंगा इंजीनियर बनूंगा, इतना मनुष्य सोच के चलता है, उसमें क्यों नहीं ये ख्याल करता है कल को कहीं मर जाऊं कुछ न करूं, ऐसा करेगा कभी नहीं, ऐसा कोई सोचता नहीं, तो जो पॉसिबल बात है उसमें नहीं सोचे, ये तो हाँ पॉसिबल ये तो गारंटी है कि हमको अवश्य मिलना ही है, तो उसके लिए तो कितना अपना पुरुषार्थ करना चाहिए वापसी, इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं हमारा चला जाएगा नहीं, जो करता है उसका मिलेगा जरूर, जितना भी करता है थोड़ा करता है तो थोड़े का भी मिलेगा, पर मिलता तो है ना, तो बहुत करेंगे तो बहुत का भी मिलेगा, तो जो अविनाशी चीज है उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, जो विनाशी है उसके लिए कितना करते हैं हा? तो ये सभी चीजों को समझना है, तो ऐसे बच्चे हाँ खुशी लगे और समझदार सबूत ऐसे बच्चों को याद किया।